नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नए वीडियो पे आप सभी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आपका भाई। तो जैसा कि बता दें, काफी दिनों बाद वीडियो लेकर आया है अपने चैनल पे। तकरीबन हमें लग रहा है कि 10 दिन हो गया, तो 10 दिन के बाद अपने चैनल पे वीडियो लेकर आया है भाई। तो दोस्तों की तबीयत जैसा कि डिस्टर्ब था मेरा, इसकी वजह से मैं चैनल पे प्रॉपरली आ नहीं पा रहा था। तो अब तबीयत थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है तो मैं आया हूँ। तो जैसा कि बता दें कि तबीयत थोड़ा सही हुआ तो मैं सोचा कि आप भाइयों का हाल चाल ले लूँ और एक बेहतरीन जगह भी आप लोग को दिखा दूँ। हालांकि यहाँ का वीडियो मैंने बनाया है तो आप लोग पहचान ही जाएंगे। तो जैसा कि बता दें कि प्राचीन भव्य माँ काली का मंदिर चकिया में, जो कि काफी बेहतरीन जैसे भाई पोखरा का सरसपैया हुआ है, तो मैं नजारे सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ। और माँ काली का मंदिर का जो कि रामनगर के राजा उसी टाइम के बनवाए हुए हैं, तो पूरा नजारा दिखा दूंगा। एक प्राचीन मंदिर भव्य चकिया माँ काली का आज दर्शन कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और जानकारी भी कुछ दूंगा और पूरा नजारे भी यहाँ दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और भाई अब प्रॉपरली आप लोग को चैनल पे हमारी वीडियो डालते रहेगा, क्योंकि अब तबीयत थोड़ा सही हो गया है तो अब खाली भी हो गया हूं, तो वीडियो डालते रहूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू, और अच्छा लगे तो भाई को प्यार देना जरूर नहीं भूलिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, ताकि काफी दिनों हो गया चैनल को थोड़ी से मेंटेनेंस खराब हो चुका है, तो आप लोग चाहेंगे तो बन जाएगा। तो आइए चलते हैं, बैक ज्यादा बात ना करते हुए, कैसे हैं आप लोग, हाल चाल क्या है आप लोग का, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मित्रों, आप लोग को वह भव्य प्राचीन माँ काली का मंदिर दिखा दूं, गुम्बद का दर्शन करा दूं। सामने देखते हैं वह भव्य प्राचीन माँ काली का, जो रामनगर के राजा थे उन्हीं ने बनवाया था यह भव्य प्राचीन मंदिर। और उसके बाद उसके चारों बगला काफी बेहतरीन नजारा है, और देखते हैं ये जो नीचे बालकनी नुमा बनाया गया है, ये है यहाँ पे बैठकर लोग जो है सिद्धि करते हैं, करते थे उस टाइम, अभी भी करते हैं। और इधर से जानवरों के लिए जाने के लिए रास्ता इधर से है जो बनाया गया है इस भव्य प्राचीन पोखरे में। अभी पोखरे के साथ सफैया हुआ है कुछ दिन पहले, और इधर से चारों बगल सीढ़ियां हैं पोखरे में, तो काफी खूबसूरत नजारा लगता है। ठीक मंदिर के सामने यह प्राचीन पोखरा जो अपने आप में काफी भव्य लगता है देखने में। तो चारों बगल का नजारा कुछ इस कदर है पोखरे का। थोड़ा सा मैं जूम करके आगे का भी नजारा दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ये गुम्बज नुमा घर नुमा बनाया गया है, ये भी पानी में रखते हैं, गुम्बज नुमा बनाया गया है। लोग आते हैं अपना घूमने के लिए तो एंटरटेनमेंट करते हैं, सीढ़ियों में बैठ के नजारा देखते हैं। काफी यहाँ पे इसलिए इतना प्रसिद्ध है काफी, क्योंकि इतना शांति माहौल रहता है यहाँ पे, बहुत ही शांति माहौल रहता है। लोग आते हैं थोड़ा सा, जैसे ऑफिस वाले भी लोग जो चकिया में जॉब करते हैं वो लोग भी आते हैं लंच टाइम में, यहाँ पे आराम से बैठ कर लंच करते हैं, बहुत शांति मिलता है। तो ठीक दिखा दो सामने, ठीक सामने दोस्तों देख सकते हैं इस कदर नजारा है, ये है ठीक सामने मंदिर, और इधर पीपल का पेड़ जहाँ पे पूजा होता है शनिदेव जी महाराज का, नजारे कुछ इस कदर है। और जब छोटी मोटी दुकानें भी लगती हैं सामने जो आप लोग दिखा दे रहे हैं, छोटी मोटी दुकानें भी लगती हैं इधर, और इधर के नजारे कुछ इस कदर है देख सकते हैं। लोगों को बैठने के लिए प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सी नुमा बनाया गया है, आगे भी आगे देख सकते हैं इधर लोग आपको सामने दिखाई दे रहा है, लोग गाड़ी स्टैंड करके अपना रेस्ट करते हैं, देख सकते हैं इस कदर नजारे हैं। चारों बगला पोखरे पे लोग, धूप भी ठंडी थोड़ी सी कम हुई है तो लोग अपनी धूप का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, आइए दर्शन कराते हैं अंदर माँ काली के मंदिर का, फिर उसके बाद चारों बगला मंदिर घुमाते हैं आप लोग को। तो वीडियो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में। आइए चलते हैं आगे मंदिर के पास, अंदर नजारे दिखाते हैं आप लोग को बाहर से ही। तो मंदिर के ऊपर का नजारा कुछ इसका तरह, सामने नंदी जी महाराज बैठे दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को, ठीक सामने ट्रिपल शिवलिंग आप लोग को दिखाई दे रहा होगा भोलेनाथ का, ठीक सामने एक नीचे है बगल में शिवलिंग है, और उसके ठीक सामने देख सकते हैं माँ काली का वो भव्य प्राचीन मंदिर, जो देख सकते हैं अभी वो हटेंगे तो आप लोग को दर्शन मिलेगा, देख सकते हैं ये है माता रानी का भव्य दर्शन, ठीक है। तो यह माँ काली का भव्य प्राचीन मंदिर जो रामनगर के राजा उसी टाइम के बनवाए थे, अब ये हटे तब ना बाबा, देखिए भव्य दर्शन।
माता रानी का। तो आइए चलते हैं, बगल से दिखाते हैं मंदिर के चारों बगल का नजारा। दर्शन आप लोग किए, हम भी किए आप लोग के माध्यम से माता रानी का। चारों बगला मंदिर का देख सकते हैं प्रांगण, पूरा ये मैदान है खाली जहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बच्चे। और देखते हैं सामने हवन कुंड है, और देख सकते हैं मेन मुख्य तीन द्वार है मंदिर के, एक आगे से जो जहाँ से मैंने दर्शन कराए देखिए इधर है, एक आगे उधर से साइड से है। तो उस टाइम की कलाकारी जो है देख सकते हैं, दीवार पे मानचित्र है और उसके बाद जो डिजाइंस दीवार पे बनाए गए हैं सभी देखते हैं पत्थर का पूरा है। इसमें एक भी ईंटें नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में एक भी ईंट नहीं है, सारा पत्थर से ही बनाया गया है। तो मंदिर के देखते हैं इधर नजारे कुछ इस कदर है, और ये द्वार जो बनाया गया दोस्तों ये पूरा पत्थर का द्वार है, देख सकते हैं ये पूरा पत्थर का द्वार है ये जो द्वार बनाया गया। और यहाँ पे माँ का चरण पादुका है। जय माता रानी। ये देखते हैं पत्थर का पूरा डिजाइन खाली बनाया गया है द्वार का, कुछ इस कदर है। चारों बगल इधर भी हवन कुंड है, तो चारों बगला नजारा कुछ इस कदर है। काफी भीड़ लगता है नवरात्रों में, नवरात्रों में काफी भीड़ भाड़ लगता है यहाँ पे। नजारे कुछ इस कदर हैं, और ये मेन मुख्य द्वार यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से लोग अंदर दर्शन करने जाते हैं। तो कैसा लगा नजारा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और छोटा मोटा दुकान यहाँ पे लगता है दोस्तों इधर, और आगे भी अंदर भी दुकान लगता है माला फूल का, और बाहर भी माला फूल का दुकान लगता है। तो चलिए यहीं से करते हैं वीडियो को क्लोज। हाँ क्लोज करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे एक अदर अपडेट के साथ। तो आप बताइएगा हमें कैसा लगा वीडियो, उसके बाद नज़ारे कुछ इसके तरह दिखाएं आप लोग को। हाँ जो इधर का है। तो दोस्तों थोड़ा तबीयत सही होने के बाद आप लोग को ये दर्शन कराएं माँ काली का, कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएगा। चलिए भाई यहीं से वीडियो करता है क्लोज, और आप लोगों से मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो में नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। काफी दिनों बाद में वीडियो डाले, इसके वजह से थोड़ा सा मेरा चैनल का मेंटेनेंस जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए हमें, वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं प्रॉपरली वीडियो हमेशा लेकर आपके चैनल पे आता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मित्रों, जय हिंद दोस्तों।